दोस्तों शायद आप सभी को सेना प्रमुख की वो स्टेटमेंट याद होगी जिसने चुनी विदेश मंत्रालय को हिलाकर रख दिया था, बल्कि चुनी विदेश मंत्रालय ने भारत से अपील की थी कि भारत आवेश में आकर ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे LAC का माहौल बिगड़ जाए। वैसे भी नियंत्रण रेखा पे माहौल कौन सा ठीक है कि भारत उसे और बिगाड़ दे। खैर मैं उसी संघर्ष वाली स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ जिसमें चीन को सबक सिखाने की बात कही गई थी। तो लीजिए दोस्तों, भारतीय सेना की ओर से उस स्टेटमेंट को लेकर निर्णायक कदम उठाने शुरू हो चुके। दरअसल दोस्तों बात हो रही दुनिया की सबसे एडवांस हवाई सुरक्षा प्रणाली यानी S-400 की। आपको भी पता है कि बीते महीने S-400 की पहली खेप भारत आ चुकी है, जिन्हें आते ही पंजाब भेजी गई। वैसे सेना ने पाक खतरे को देखते हुए S-400 पंजाब रवाना कर दिया था। हालांकि वहां उसे ऑपरेशनल नहीं किया गया, बल्कि वेस्टर्न फ्रंट मोर्चे के लिए सेना एक ऐसी जगह की तलाश में थी कि जहां पे तैनात किए जाने वाला S-400 चीन पाक दोनों पे ही बराबर नजर रख सके। तो अब खबरों के मुताबिक S-400 की तैनाती पंजाब से होकर जम्मू कश्मीर के पूंछ इलाके तक करने की तैयारी हो रही है। आप इस मैप के जरिए भी समझ सकते हैं कि फिलहाल पंजाब में रखा S-400 पाकिस्तान के ज्यादातर मिलिट्री बेसेस या मिसाइल लॉन्चर्स को डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन वही LAC की तरफ से आने वाले मिसाइल या एरियल थ्रेट S-400 की रेंज के बाहर है। अब S-400 400 किलोमीटर के एरिया को ही डिटेक्ट कर सकता है, इसलिए इसकी तैनाती पंजाब से बढ़ाकर जो तस्वीर में हरी लाइन में वर्किंग बाउंड्री दिखाई पड़ रही है वहां तक की जाएगी। मतलब इस जगह से पाकिस्तान से आने वाले मिसाइल्स या जेट्स पर भी नजर रखी जा सकेगी और LAC पार आने वाले हवाई खतरों को भी शूट डाउन किया जा सकेगा। खबर के मुताबिक मार्च महीने तक भारत की फर्स्ट S-400 रेजिमेंट इस इलाके में तैनात की जाएगी, जिसे फिलहाल ऑपरेशनल करने की तैयारियां हो रही है। माना जा रहा है कि चीन की ओर से जो भारी मात्रा में फाइटर जेट्स और ड्रोन की तैनाती LAC से सटे होतन एयरबेस पे की गई, उन्हें को काउंटर करने भारतीय सेना ने S-400 के डिप्लॉयमेंट को लेकर फैसला लिया, ताकि चीन के ज्यादातर एयरफील्ड्स की जानकारी जुटाई जा सके। आपको बता दूं कि S-400 के जरिए ना सिर्फ दुश्मन विमानों को मार गिराया जा सकता है, बल्कि उनसे जुड़ी हर फ्लाइट रिकॉर्डिंग भी भारतीय सेना प्राप्त कर सकती है। आप मान के ही चलिए, इसकी तैनाती के बाद S-400 के रेंज में आने वाले सभी चीनी जेट्स का टेक ऑफ डेटा तक भारतीय सेना हासिल कर पाएगी। सेना को पहले ही पता चल जाएगा कि चीन अपना कौन सा जेट भारत की तरफ भेज रहा है, इसलिए तो S-400 को काफी गेम चेंजर हथियार माना जाता है। वैसे चीन के पास भी S-400 है, लेकिन उसमें इस्तेमाल की जाने वाली मिसाइल्स इंडियन S-400 के मुकाबले कम रेंज की है। इसके अलावा चीन ने जो चोरी छिपे S-400 पे रिवर्स इंजीनियरिंग की, उसके बाद रशिया ने S-400 के सेंसिटिव रेडार्स की यूनिट भी चीन को नहीं दी। मतलब रेडार्स और इंटरसेप्टर मिसाइल्स के मामले में चीनी S-400 इंडियन S-400 से काफी हद तक कमजोर है। खैर आप बताइए, S-400 की सबसे ज्यादा जरूरत LAC पे है या फिर LOC? नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।